स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें। दीदी स्वयं सहायता से जुड़ी, उसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जाएंगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। जानकारी देना हमारा काम है दीदी, लेकिन लाभ उठाना आपका काम है, इसलिए वीडियो को देख कर छोड़ा मत कीजिए। जो भी हम आपको अवगत कराते हैं योजनाओं के बारे में, लाभ उठाने की पूरी पूरी कोशिश किया करें। तो चलिए दीदी, ज़्यादा ना बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मोदी सरकार ने युवाओं के लिए शुरू की ये खास योजना, हर महीने मिलेंगे 50,000 रुपये। जी हाँ, क्या है युवा? प्रधानमंत्री योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री योजना कौन कौन कर सकता है अप्लाई, क्या है इस योजना के शर्तें, जानिए पूरे वीडियो में। युवा प्रधानमंत्री योजना 2021 शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की 2021 की शुरुआत की है। यह युवा और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम युवा और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इससे पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकेगा, साथ वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया सकेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक जानकारी के लिए, जी हां आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि युवा भारत 75 परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव का व रचनात्मक तरीके से, जी हाँ रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए इस प्रकार यह योजना लेखकों की एक धारा विकसित करने में सहायक करेगी जो भारतीय विरासत संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विषयों के अलग अलग पहलुओं पर लिख सकते हैं। इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट भारत संरक्षण के सुव्यवस्थित चरणों के तहत इस योजना के चरणबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करेगा। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट भारत करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए इनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चयनित युवा लेखक विश्व के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ बातचीत करेंगे और साहित्यिक उत्सव आदि में भाग लेंगे। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के ने युवा दिमागों के सशक्तिकरण, जी हां सशक्तिकरण और एक सीखने वाला इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया है, जो युवा पाठकों और सीखने वाले को भविष्य की दुनिया में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार कर सकता है। इस संदर्भ में युवा रचनात्मक संसार के भविष्य के नेताओं की नींव रखने में एक लंबा सफर तय करेगा। इसके माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की जाएगी। युवा लेखकों को प्रख्यात लेखक व संरक्षक प्रशिक्षित करेंगे। संरक्षक के तहत पांडुलिपियों को प्रकाशन के लिए 15 दिसंबर 2021 तक पढ़ा जाएगा।
प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया जाएगा। संरक्षण योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये, जी हाँ, प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। युवा लेखकों, युवा आगामी और बहुमुखी की शुरुआत युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। 31 जनवरी 2021 को मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा पीढ़ी से स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता से जुड़ी घटनाओं, स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान वीरता की गाथा के बारे में अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में लिखने व आह्वान किया था। उनका कहना था कि यह भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भारत की स्वतंत्रता के नायकों को सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि के रूप में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह विचारशील नेताओं की एक श्रेणी भी तैयार करेगा जो भविष्य की दिशा तय करेगा। यह काम कर सकते हैं आप सभी लोग। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने, बार बार सुने और देखें कि हमने इसमें क्या बताया। आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। जी हाँ, एक बार थोड़ा सा फिर शॉर्टकट में बताती हूँ कि 30 वर्ष से कम आयु, इस बात का विशेष ध्यान दें, 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इससे पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकेगा, साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया सकेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि युवा भारत 75 परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका को अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों को युवाओं की पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से आमने सामने लाने के लिए इस प्रकार यह योजना लेखकों को एक धारा विकसित करने में सहायता करेगी। तो चलिए दीदी, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगर आपके घर में, जी हाँ, आपके घर में अगर 18 वर्ष और 30 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो ज़रूर प्रेरित करें इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि आगे चल के इसमें अच्छा खासा दीदी इनकम है। बस जो है, दिमाग फ्रेश होना चाहिए, दिमाग तेज़ होना चाहिए। आप इसमें ज़रूर सहभागी लें, जी हाँ, ज़रूर सहभागी लें और आगे बढ़ें, बढ़ते जाएं। अगर आपके घर में 30 साल से कम, 18 साल से ऊपर कोई बच्चे ऐसे हैं तो उनको प्रेरित इस काम के लिए ज़रूर करें। तो चलिए दीदी, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।